हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16। क्या करना है इसके अंदर, आए ध्यान से। सबसे पहले हम क्वेश्चन में समझते हैं। क्वेश्चन में सिंपल बोल के रखा कि हम लोग टोटल 700 है ना, टोटल 700 रुपीज का हम लोगों ने यूज किया है 7 कैश प्राइज देने में एक स्कूल के अंदर। ओवर टोटल एकेडमिक ईयर के अंदर जो भी बच्चों लोगों ने जिस लेवल से परफॉर्मेंस किया ना, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे इस पैसे का यूज किया है ना। टोटल 700 हमारे पास है, इट मींस हमारे पास एस एन की वैल्यू कितना दे के रखा है 700। उसके बाद यहाँ पे टोटल ये 700 को हम लोगों ने कितने में पार्ट में बांटा है, 7 पार्ट में। इट मींस हमारे पास एन की वैल्यू कितना मिल गया, 7 मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या बोला है कि ये जो 700 बांटे हैं ना, वो कुछ इस तरीके से बांटे हैं कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आपके पास सिंपल यहाँ पे क्या है, पहला प्राइस है 100, तो उसके बाद जो हम लोग सेकेंड प्राइस देंगे ना, उसमें हम लोग 20 रुपीज कम कर देंगे। तीसरा प्राइस देंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, वापस 20 रुपीज कम कर देंगे। तो इसी तरीके से जो यहाँ पे फर्स्ट प्राइस के बाद जितने भी प्राइजेस बटे हैं, उन सभी में हम लोगों ने यहाँ पे 20 20 रुपीज रिड्यूस करते गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल क्वेश्चन। अब उसके बाद यहाँ पे लास्ट में हमें क्या फाइंड करना है कि टोटल हम लोगों ने कितना कितना प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए, वो हमें फाइंड करना है। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आपको फर्स्ट प्राइज मिल गया तो उसके बाद आप लोग सारे प्राइज फाइंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको फर्स्ट प्राइज मिलेगा, उसमें से आप 20 20 रुपीज कम करते जाओगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ये फर्स्ट प्राइज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो जो हमें गिवन में देके रखा है उसी के बेसिस पे। तो हमारे पास देकर क्या रखा है, एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मैं उसको लिख लेता हूँ, ठीक है। ओके, सिंपल हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, एस एन की वैल्यू हमें देकर रखा है कितना, 700। ये हो गया 700 इज इक्वल टू एन कितना हमारे पास है, 7। तो ये हो गया 7 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2। ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वही तो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये एज इट इज प्लस एन की वैल्यू कितना हमारे पास है, 7। तो 7 माइनस 1। और डी की वैल्यू हमारे पास कितना है, 20 20 कम होते जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, सिंपल माइनस 20। कैसे, आप चाहो तो यहाँ पे इसके बेसिस पे इसको फाइंड कर सकते हो। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 हमारा फॉर्मूला होता है। A2 हमारे पास कितना देकर रखा है, मान लीजिए 80 यहाँ पे है, और ये कितना है 100। माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस बड़ा साइन किसका है, माइनस का। 100 में से 80 का कितना बच गया हमारे पास, 20। तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस 20। आप इस तरीके से भी D को फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग D को पुट कर सकते हैं माइनस 20। सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा इज इक्वल टू के साथ आके, और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में। तो यहाँ पे 700 एज इट इज ये ऊपर आ जाएगा, और ये जो है मल्टीप्लाई में ये नीचे आ जाएगा, है ना। बाकी सबके सब यहाँ पे एज इट इज अभी के लिए 2a प्लस 7 में से 1 गया कितना बचा, 6, और यहाँ पे माइनस 20 एज इट इज। ओके, अब यहाँ पे कैंसिल होगा 1 से, और ये कितना से, 100 से, है ना। अब यहाँ पे 100 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपका, 200 इज इक्वल टू 2a, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस, और यहाँ पे 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 120। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमें ए की वैल्यू निकालना है, तो ये माइनस में इज इक्वल टू के साथ क्या हो जाएगा आपका, प्लस में। तो 200 एज इट इज ये माइनस थ्री साइड प्लस 120 इज इक्वल टू 2a। 200 में हम लोग प्लस करेंगे 120, तो कितना आ जाएगा आपका, 320 इज इक्वल टू 2a, है ना। मैं इसको इस साइड पहले लिख लेता हूँ। ओके, हमें यहाँ पे a की वैल्यू निकालना है, तो ये a के साथ में मल्टीप्लाई में है इज इक्वल टू के साथ आकर क्या हो जाएगा, सिंपल 320 के साथ में डिवाइड बाई, ठीक है। अब कैंसिल होगा, तो ये 1 जा, और ये कितना हो जाएगा आपका, 160, है ना। इट मींस a की वैल्यू हमारे पास कितना आ चुका है, 160। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू मिल चुका है, अब जस्ट हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 20 20 रिड्यूस करते जाएंगे। इट मींस हमें यहाँ पे फर्स्ट प्राइज मिल चुका है ना, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ओके, सिंपल फर्स्ट प्राइस हमारा कितना हो गया, 160। उसने क्वेश्चन में क्या बोला था कि बाकी जितने भी प्राइजेस हैं फर्स्ट प्राइस के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें से 20 20 रिड्यूस करते जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे सेकंड प्राइस जो होगा वो कितना हो जाएगा। ओके, तो सिंपल यहाँ पे फर्स्ट प्राइस में से हम लोग ने क्या किया, 20 20 रिड्यूस कर दिए। तो हमारा टोटल यहाँ पे हम लोगों ने कितने कितने पैसे बांटे हैं सभी को, वो हमें यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइस हमारा 160 हो गया, एंड लास्ट प्राइस हमारा कितने हो गया, 40 हो गया, ठीक है। तो ये था आपका आंसर सिंपल क्वेश्चन नंबर 16 का। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।